माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक प्रगति के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा आवश्यक है। यही कारण है कि उनके नेतृत्व में गत 9 से 10 सालों में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर इस दिशा में काम हुआ है। मध्य प्रदेश भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इस निर्माण यात्रा का साक्षी और भागीदार बना है। वर्तमान में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंदौर हैदराबाद उज्जैन गरोठ और आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जिनका एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। जब यहाँ कनेक्टिविटी सुधरी है तो उद्योग धंधों के लिए भी एक सानुकूल पॉजिटिव माहौल बना है। आज बड़े बड़े निवेशक मध्य प्रदेश आना चाहते हैं। आज लगभग 14,900 करोड़ रुपए की लागत से 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास ग्वालियर में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली आधुनिक 8 लेन और 245 किलोमीटर लंबाई के दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी ही, साथ ही नीमच मंदसौर रतलाम आगर मालवा शाजापुर राजगढ़ झाबुआ धार इंदौर एवं अन्य जिलों में होने वाली प्रमुख फसलों जैसे लहसुन प्याज टमाटर गेहूं सोयाबीन एवं संतरा को दिल्ली मुंबई सूरत बड़ोदरा के बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं राघवगढ़ से हरदा एवं बांकानेर घाट का 4 लेन कार्य, जीरापुर पचोर रोड अष्टा बाईपास एवं खिलचीपुर बाईपास का 2 लेन कार्य एवं इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इन परियोजनाओं से लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी, मध्य प्रदेश के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी, कृषि उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डबल इंजन सरकार वाला मध्य प्रदेश ऐसे ही तेज गति से लगातार विकास के नित नए अध्याय लिखने के लिए कृत संकल्प है।